हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। जैसा आपको पता है कि मैंने सारी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, बाकी वीडियो बाकी है। आप सोचोगे आखिरी वीडियो में क्यों नहीं डाल रहा हूँ, आखिर नहीं डाल रहा हूँ, आखिर वीडियो मीडिया को रिलीज की है, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि मीडिया को सिखा सकता हूँ आपको, मुझे इतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं आपको सिखा नहीं पाऊंगा। मैं नहीं चाहता हूँ आपको गलत गाइड करूँ, और गाइड करूँगा किस तरीके से बोर्ड से मटेरियल के ऊपर प्रोजेक्ट बनेगा। बोर्ड से मटेरियल बहुत कम लोगों ने सिखाया यूट्यूब पर, सर चलो मैं आपको प्रोजेक्ट सिखाऊंगा। तो उसमें हम और चीज़ें इसमें देखें, कंटेनर कैसा इस्तेमाल होता है, टॉप कॉलम क्या चीज़ है, बाकी चीज़ें आपको उसमें चलेगा, आपको दिखा देता हूँ कि इसका ओवरव्यू क्या है। हम चलते थे बोर्ड स्ट्रैप के ऊपर, तो कॉमनली इस्तेमाल होता है बोर्ड स्ट्रैप STRAP, ठीक है ना। हम बोर्ड स्ट्रैप पर चलते हैं पहले, ये बोर्ड स्ट्रैप है, सही ना। पर बोर्ड स्ट्रैप फ्री एंड ओपन सोर्स, फ्री है, कोई मसला नहीं, ओपन सोर्स है। फ्रंट एंड के काम आता है मोबाइल रिस्पॉन्सिव फॉर मोबाइल, मैं वैसे दिखा रहा हूँ, रावत सिर्फ चलती है, सिर्फ एजुकेशन बैटन सब चलता है। ये वॉल्यूम 3.3 में भी है, 2.3 में भी, आप 3.4 में भी है, ये बोर्ड के लिए भी आपको 2.0 का था ओवर यूज किया है। हम चलते हैं मटेरियल के ऊपर, देखिए मटेरियल भी देख लिया, आउट हो जाए। मैं आपको इसको भी काम करना सिखाऊंगा, आपको दोनों परफॉर्म सिखाऊंगा काम करने के लिए, परफॉर्म दिखाऊंगा ये दोनों के लिए। ये मॉडर्न रिस्पॉन्सिव सीएस फ्रेमवर्क है, बेस्ड ऑन मटेरियल डिजाइन बाय गूगल, गूगल का ये फ्रेमवर्क है पूरा, सही है। इसका आइकन है और सब सब सिखाता हूँ, थोड़ा हम अपन कर लेते हैं। जो डाउनलोड करनी पड़े डाउनलोड कर ले, डॉक्यूमेंट आप पढ़ लें, एग्जाम्पल आइकन थीम से, ये देखिए थीम भी सब प्रोवाइड करेगा आपको, ठीक है। थीम से आप थीम देखेंगे, थीम चल रही है, हम थीम पर भी काम करेंगे। मैं उसे ओवरव्यू दे रहा हूँ काम को दिखाने का, ये क्या है क्या नहीं है, आप तो डरे मत, आप मैं नहीं आप बोलूँगे क्या है, डॉक्यूमेंटेशन पड़े इसके, आप जाके आपको तो टाइम देंगे, इंशाल्लाह आपको ये टाइम देगा, इतना आसान है। आप बोलोगे क्या है, इतना VIP जो JS या JavaScript नहीं आती है, ये ना आपको मैं दिखाता हूँ चीज़ें, कंपोनेंट देखे उसके, आपसे आपको तो ओवरव्यू दे रहा हूँ। बिल्टन क्लास बनी हुई है कि आपको सिंपल और अलर्ट दिखेंगे, तो ब्लू कलर में आ जाएगा, सेकेंडरी कलर है, सब तो क्लास बनी हुई है, और अलर्ट क्लास देखेंगे आपको काम हो जाएगा। कार्ड बना हुआ है, देखिए आप कैसे, मतलब वो स्लाइडर है, स्लाइडर बना हुआ ऑटोमेटिकली, स्लाइडर देखिए बना हुआ स्लाइडर, ये देखिए इस तरह का स्लाइडर है, सब क्लास बनी हुई है, सब सिर्फ रिस्पॉन्सिव है, हम इसमें भी काम करेंगे। बटन बने हुए हैं, ये देखिए बटन रेडी पड़े हुए हैं इसके अंदर, और एक क्लास कॉल करवानी है और काम हो जाएगा। अलर्ट्स बने हुए हैं, हम मुझे और भी देना चाह रहा हूँ कि क्या काम है। ड्रॉप डाउन रेडी पड़ा हुआ है, यहाँ CSS का हेडर में मेहनत करते थे कि हेडर रेडी पड़ा हुआ है, नहीं देखिए हेडर बना हुआ, सब बना हुआ, अभी देखे थे ना आपको हेडर चाहिए, इस ड्रॉप डाउन बना हुआ है, अभी देखिए देखिए बहुत चीज़ें हैं, हम आपको गाइड करते जाएंगे। और भी एक्सटेंशन अभी आपको सिंपल वे फॉर्म पर रख रहा हूँ, सही है ना। ये देखिए आपके कलर देखिए ऑटोमेटिक से कलर बने हुए, ये देखिए आप ऑटोमेटिक देखिए कलर बने हुए, देखिए कलर देखेंगे आप तो कलर पर क्लिक कीजिए CSS पर, ये देखिए ऑटोमेटिक से कलर तैयारी पड़े हुए है, ये देखिए हर कलर कोड आया आपने और डाल दिया, सही है। मैं आपको पहले देख चुका हूँ कोड के बारे में, कलर बता चुका हूँ, गेट व्यू बना हुए, गेट व्यू का काम करेंगे अभी, जो वीडियो होगी मेरी सास के ऊपर होगी, CSS सास तो फ्रेमवर्क है CSS का, तो इंशाल्लाह कल से आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगी। ये वेट कर रहा है, सोचा मैं क्या करूँ, मैं भी वीडियो बनाऊँ, इसकी वीडियो को देखिए नहीं देखिए, आप देखिए बड़ा कॉलम होता है इसके अंदर, कॉलम 1 कॉलम 2 मतलब PC यहाँ से कॉलम यहाँ से लेके 1 to 0 तक 12 तक डिवाइड हो सकता है, कॉलम 12 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 है क्या समझो, डिवाइड बाई 2 डिवाइड कर लिए तो ऐसा हो जाएगा, मैं बहुत ही समझ रहा हूँ। ये बुर्स के बाद हम करेंगे मटेरियल्स, चलते मीडिया को रिव्यू ऊपर, CSS मीडिया क्यूरी, अब आपको समझा देता हूँ मीडिया क्यूरी होती क्या है, हम काम नहीं करेंगे, तो समझा देता हूँ, कोई इमेज आ जाए ना आपको समझा, ये देखिए ये होती है इसके ऊपर मीडिया, आप देखिए इस प्लेटफॉर्म की साइज होती है, ऐड करें डिवाइड कर लगाते हैं 766
आईपैड पे करने आप आईपैड का जाने कोड निकाल लिया इसमें कोड आगे जिस किस पिक्सल पे आपको वर्क करना था लिखा इंटरनेट वर्क मीडिया पे चली गई ठीक है ये लेवा होता है मीडिया पूरी का ये मीडिया पे मोबाइल के अलग इसकी अलग इसकी हमें तो हमारा काम है आप 80% तो रिस्पॉन्स ही देखो चेक भी करा देता हूँ वीडियो चेक नहीं किया आप तो चेक कब तक कर लेता हूँ कुछ नहीं है ये हमारा काम हुआ बस ये ना आपको पता भी हमको चेक करने के रिस्पॉन्स ही भी नहीं है हम राइट क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करेंगे हमारा लोगो रिस्पॉन्सिव नहीं है 12 आ गया ये सिलेक्ट देखिए देखिए 7% पर अब 100% पर जाएंगे अब देखिए आप आईफोन में देखिए ऐसा खुल गया है रिस्पॉन्सिव देखिए लिखा के रिस्पॉन्सिव में चेक करें आप नीचे करते जाए आप माउस से तो आपको देखिएगा हमारा 80% काम रिस्पॉन्सिव है कि एक आप बॉक्स लगाएंगे तो रिपोर्ट में अच्छा हो जाएगा ये देखिए आप मैं जितना भी काम किया कोशिश की रिस्पॉन्सिव का है ना अब ये कुछ चीज़ें रिस्पॉन्सिव नहीं है क्योंकि अभी आप रेस्ट में चेक करेंगे तो कुछ और लोग आएगा हाँ लोगों आए लोगों भी कुछ देखिए सबको रिस्पॉन्सिव आपको देखिए टिटे बता दो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है अब किस पे चल रहा है किस पे नहीं चल रहा आप चेक कर रहे हैं हमको दिखाएंगे रिस्पॉन्सिव मैच ये भी इमेज और इमेज के ऊपर लगी हुई सही नहीं है क्योंकि इमेज बहुत बड़ी आ रही है तो रिस्पॉन्सिव बोलते कि आप रेटिंग दे रहे हैं बॉर्डर लगा कर मार्जिन है ये भी काम है ना अब हमने मेरा फर्ज था कंसोल में हम काम कर रहे हैं पीएचटी के ऊपर सोर्स क्या दिया है बता देगा आपको यहाँ मेरी टीम सोर्स पर काम कर रहे हैं परफॉर्मेंस किया है इसकी कोई एरर थोड़ी जनरेट हो रहा है जब पी एच पी बैंक एरर जनरेट होगा तो हम देखिए कौन सा बैंक है देखिएगा आपको एरर दिखेगा सही ना वैसे एरर नहीं है पी एच पी कोड नहीं है इससे तो कोई एरर नहीं है पी एच पी बैंक इन शाला कोड दिखेगा आपको तो देखिए मीडिया को ऐसे लिखी जाती है देख लिया मैक्स में इतनी दे दी हमने इसकी वेट में इतनी वेट में इतना हो जाए मुझे इतना अच्छा गाइड करने नहीं आता है मुझे काम करने आता है तो वो कम काम करता है मीडिया के ऊपर मेरा फ्रेंड काम करता है इससे ज़्यादा तो नहीं ना वो यू आई यू आई डिज़ाइनर है में डिजाइनर तो अच्छा नहीं है तो वीडियो ग्रेड पर काम करता है मैं काम करता हूँ शॉर्टकट के ऊपर उससे मैं मटेरियल मुझे बहुत अच्छी आती है ऐसा बहुत अच्छी कमांड हासिल ये सब कमांड हासिल है मतलब उस पर आपको गाइडेंस देना इसमें नहीं हो आपको गलत गाइड करते फायदा नहीं आता है सिंपल गाइड कर दे आपको ये ना अभी आपको समझा रहे रहा हूँ आपको समझ में आएगा कि ये देखिए वीडियो ग्रेड चल रही है किस पे काम कर रहा है टेलमेट के ऊपर काम कर रहा है 767 किसकी थी जो मोबाइल की थी आपको समझा दिया स्मार्टफोन की और जिस किसकी तो साइज है उसका वर्क करोगे तो इन शाला ये आएगी इन शाला कल से और नई वीडियो मिलेगी सास का बात जितना सास है कि आपको बता देता हूँ वैसे हवा भी मिलेगा सास का चलिए एसेंशियल स्टाइल शीट है क्या है ये साइज और स्टाइल शीट लैंग्वेज ऐसे डिजाइन बाय हाइपटॉन कैटेन एंड नाम से हमें कोई लेना देना नहीं हमें काम देखना है क्या है सारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये ना फाइल्स होती है और किसका ये फ्रेमवर्क क्या ये देखिए फ्रेमवर्क किसका है सही है सी एस एस का एक्सटेंशन है सही है ये देखिए ये फ्रेमवर्क है सी एस एस का मैं कोर्स सिखाऊंगा इंशाल्लाह सही है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़।